सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए दबाइए बेल आइकन। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जानकारी वही जो है आपके लिए सही। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी डिमांड कर रहे थे बार बार कि सर हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में, इस बजट में, हमें ये यूज़ करते हैं तो हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं काफ़ी दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रहा था और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि फ़ोन आपको किस तरह से आपका फ़ोन मनपसंद लेना चाहिए। और मुझे लगा कि अब मुझे बता ही देना चाहिए कि वो कौन से फ़ोन है जो आप ले सकते हैं आपकी प्राइस रेंज में, आपके मनपसंद के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम 20,000 के अंदर के जो फ़ोन है वो देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा हाथ थामे रखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि जो भी मुझसे पूछता था कि सर मैं फ़ोन कौन सा लूं, तो मैं कहता था कि सबसे पहले देखिए आप अपना बजट तय कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपकी यूज़ क्या है, आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग के लिए या फिर सिर्फ नेट के लिए या फिर दूसरे भी मल्टी यूज़ हैं, ढेर सारे यूज़ हैं, क्या यूज़ आपका वो है वो देखिए। फिर उसके बाद देखिए कि आप उसमें क्या चीज़ चाहते हैं, ड्यूअल कैमरा चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन चाहते हैं, छोटी स्क्रीन चाहते हैं, उसका प्रोसेसर अच्छा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये शायद काफ़ी एक वो होती है कि सर्च करना पड़ता है, फिर उसमें से सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो ये मैंने काफ़ी सारे लगभग 15-20 फ़ोन के करीब देखे और मैंने आपके लिए 5 फ़ोन निकाले हैं जो 20,000 के अंदर हैं। और सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ नंबर 5। तो 5 नंबर पे जो है वो सैमसंग गैलेक्सी J8 है, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जिसकी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा फ़ोन साबित हो सकता है। और इसकी जो सैमसंग पे जो प्राइस है वो 18,990 रुपये की है और जो अमेज़ॉन पे दे रखी है वो भी सेम 18,990 रुपये में दे रहा है। इसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 का है और जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज में ऑक्टोकोर दे रखी है। तो ये एक इन्होंने 450 और 18,000 में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इन्होंने नाइंसाफी की है, इनको कम से कम थोड़ा हायर प्रोसेसर ज़रूर देना चाहिए था। खैर, इनका जो GPU है वो भी कम है इसी के हिसाब से, क्योंकि एड्रिनो इनका 506 का GPU लगा रखा है। लेकिन 18,000 में नहीं यार, इसकी जो मेमोरी है वो 4GB और 64GB है और इसकी जो बैटरी साइज है वो 3500 mAh की है। और इसमें जो डुअल कैमरा दे रखा है वो 16 MP और 5 MP का जो रियर कैमरा है, और जिसका फ्रंट का है वो 16 MP का, जो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से सैमसंग का जो सोनी का इसका जो सेंसर लगाते हैं और इसका जो कैमरा रहता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो 16 MP का मेरे ख्याल से आपकी सेल्फी बहुत बेहतरीन होने वाली है, और जो रियर है वो डुअल है तो आप काफ़ी उसमें अच्छे से अच्छे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो उसमें जो मुझे खास बात ये लगी कि जो इसका रियर कैमरा का जो इसका अपर्चर है वो 1.7F है, तो जो बहुत ही ज़्यादा लाइट अच्छी लगेगा जैसे मैं कह ही रहा था, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो आपको मेरे ख्याल से बेहतर से बेहतरीन आपको फ़ोटो इसके मिलने वाले हैं। और इसका जो फ्रंट में है वो 1.9 का है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्रंट पे मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो इस अपर्चर को दे पा रहे हैं। और जो इसका जैसे मैंने बताया कि इसमें डुअल कैमरा सेटअप दे रखा है, जो बहुत अच्छी बात है रियर पे। और इसकी जो एक और ख़ासियत है वो है कि इसकी जो स्क्रीन है वो सुपर अमोलेड दे रखी है। तो इसकी वजह ये है कि इसकी आपकी जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छी आपको बैटरी सेव करता है और इसकी जो पिक्चर होती है वो काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी प्राइस इसकी ज़्यादा है। अगर ये प्राइस कम से कम 16,000 पे देता तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा और नीचे अच्छे नंबर पे आ सकता था। तो दोस्तों, जो अब अगला हमारा फोन आ रहा है वो है 4 नंबर पर। अगला हमारा फोन आ रहा है वो है 4 नंबर पर और वो है Vivo V9। दोस्तों, वैसे मैं Oppo, Vivo और OnePlus के बारे में बहुत कम बताता हूँ, लेकिन जो लोगों ने इस तरह से फरमाइश की तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस प्राइस रेंज में जो अच्छा फ़ोन मुझे दिख रहा है मैं आपको बता दूँ। तो ये प्राइस इस रेंज में ये Vivo V9 दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 20,990 रुपये कंपनी मांग रही है और सेम 20,990 अमेज़ॉन मांग रहा है। तो इस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 626 का इसका प्रोसेसर है, जिसे क्लॉक स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज की ऑक्टोकोर है और इसका जो एड्रिनो है वो 506। तो ये 16,000 रुपए की रेंज वाला इनका GPU और प्रोसेसर लगा हुआ है,
जो इसकी मेमोरी है वो 4 GB की इसकी रैम है और 64 GB की इसकी रोम है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है। इसकी जो बैटरी है वो 3260 mAh की है और जो इसका रियर कैमरा है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, 16+5 MP का डुअल है, और जो उसका फ्रंट है वो बहुत ही अच्छा है 24 MP का। तो ये शायद ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं और इतना पैसे के देकर लुट जाते हैं। तो जो इसके साथ मुझे खास ये लगा है कि इसके साथ ईयरफोन दे रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग ईयरफोन नहीं दे रहे, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद ये धीरे धीरे ईयरफोन का बंद करने का सोच रहे हैं, ब्लूटूथ पे ला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। और साथ साथ में इसमें फुल व्यू का जो आपको स्क्रीन मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। इसकी जो 4K की इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया कि आजकल हायर से हायर क्वालिटी की हमको डिमांड बढ़ती जा रही है। और दोस्तों इसमें एक खासियत है कि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट्स दे रखे हैं, मतलब 3 स्लॉट इसमें दे रखे हैं, एक मेमोरी के लिए, 2 सिम के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन 20,000 प्राइस है, थोड़ी कुछ ज़्यादा लग रही, मेरे ख्याल से 17 से 18 या 16 से 18 के बीच में अगर इसकी प्राइस होती तो काफ़ी अच्छा होता। खैर हम चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ, जो कि है नंबर 3 पर। नंबर 3 पर वो है मोटो X4। तो मोटो X4 की जो कंपनी प्राइस दे रही है वो कंपनी एक तरह से फ्लिपकार्ट की तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, और वो फ्लिपकार्ट दे रहा है 17,999 रुपए में 6+64। खैर आगे चलते हैं, प्रोसेसर जो है इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 630, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2 GHz की, और ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और ये एडेनो 508 दे रखा है। और इसके जो वेरिएंट है वो 3 वेरिएंट है वैसे, 3, 4 और 6 GB का है, और रोम इसकी 3264 पे है। तो ये बड़ी वेराइटी इसमें दे रखी है, अगर आप पसंद करने जाएंगे थोड़ा सा चकरा सकते हैं। इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh की है, जो बहुत ही कम है इस स्क्रीन साइज में, तो मेरे ख्याल से इसमें कम से 3.5 या 4 की होने चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, जो इसका कैमरा है वो डुअल कैमरा है 12 और 8 का, और इसका जो फ्रंट है वो है 16 MP का। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छे इसमें होने वाला है, क्योंकि मोटो का मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छे उसमें जो इसके फीचर हैं, जो इसकी अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी अच्छा दे रहा है। तो इसके जो सबसे पहला ये है कि इसका जो वाटर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो दोस्तों जैसे कि इसमें वाटर रेपेलेंट है, इसमें नैनो कोटिंग के द्वारा इसको वाटर से बचाने के लिए बनाया गया है। आप 4 ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस को भी इसमें कनेक्ट करके अपना डीजे सिस्टम खुद का बना सकते हैं। इसका पिक्सल साइज भी काफ़ी बड़ा कर रखा है इन्होंने पिक्चर का, तो आपको जो आपकी पिक्चर हो काफ़ी अच्छी आएगी, कम नॉइजी रहेगी, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और इसका जो सी टाइप का इसका USB दे रखा है, तो ये काफ़ी बहुत अच्छी बात है। और इस साथ साथ में इसमें टर्बो पावर का जो चार्ज होता है वो टर्बो पावर का दे रखा है, तो मतलब आपकी चार्जिंग कैपेसिटी भी जल्दी हो जाती है चार्ज, और बैटरी 3000 mAh की, तो वो एक तरह से फिर चल जाएगा कि आप खर्चा करें और तुरंत चार्ज कर सकते हैं। और साथ साथ में ये 4K की वीडियो कैप्चर करने की आपको आज़ादी देता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, ये हमारे 3rd नंबर पर मोटो X4। अब हमारे 2nd नंबर पर जो फ़ोन है जो 20,000 के अंदर की रेंज में, वो है Huawei का P20 Lite। ये P20 Pro नहीं है, क्योंकि बहुत उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये है P20 Lite। तो इसकी जो प्राइस है वो Huawei की जो साइट पर है वो 19,999 रुपये की, और Amazon पर भी सेम 19,999 रुपये में। ये मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इसकी जो लुक और ये मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। इसमें Kirin 659 का इसको प्रोसेसर लगा रखा है, और इसकी क्लॉक स्पीड 2.3 GHz की है, जो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका जो GPU है माली का लगा रखा है T830 का। इसकी जो मेमोरी है वो 4 GB की रैम है और 64 GB की इसकी रोम है, और इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh की। तो दोस्तों ये बैटरी आजकल 3000 की क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़िए। जैसे मोटो ने 5000 का निकाला है मोटो E4 Plus, तो आप भी थोड़ा बढ़ सकते हैं, 3000 बहुत ही कम होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, कैमरा जो है इसका 16+2, मतलब ये डुअल रियर में डुअल कैमरा है, और फ्रंट का 24 का है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से आपकी सेल्फीज बहुत अच्छी होने वाली है। और इसके जो खास फीचर हैं, जैसे कि फुल स्क्रीन है, और सी टाइप इसमें USB दे रखा है, डुअल कैमरा जैसे मैंने बताया था, और इसमें साथ में डुअल ब्लूटूथ सपोर्ट भी दे रखा है। तो Huawei ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कि नई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर में बैटरी में पीछे क्यों हट रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे 1 प्रोडक्ट पे। तो
आज का हमारा जो नंबर वन डिवाइस है वो है Redmi Note 5 Pro, और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 4 और 64 और 6 और 64 पे निकली है, और पहली 4 64 की है वो है 14,999 में, और 6 64 में वो 16,999 जो MI पे मिलेगी आपको। और प्रोसेसर जो इसका दे रखा है वो है स्नैपड्रैगन 636 का, जो क्रायो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और ये जो 636 है ये पहली बार इन्हीं के इसके साथ ही लॉन्च किया गया है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रोसेसर, ये जो स्पेसिफिकेशन है वो आप कम में भी दे सकते हैं, तो ये देखिए मिल रहा है, और जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz की, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, MI की साइट पे मुझे मिला नहीं। मेरे ख्याल से इसका जो GPU है वो 509 का होना चाहिए, एड्रिनो का। इसकी जो रैम जैसे कि मैंने बताया कि 4 और 6 की है, इसकी जो रोम है वो 64 GB की है, और इसकी जो बैटरी का साइज़ है वो 4000 mAh की, दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। और जो इसका कैमरा है वो ड्यूअल कैमरा है, जो मैं आप बोल रहा था कि ड्यूअल कैमरा का आजकल ज़माना आ गया है, तो इसमें ड्यूअल कैमरा दे रखा है, 12 MP प्लस 5 का इसका ड्यूअल कैमरा रियर का है, जो फ्रंट है वो 20 MP का दोस्तों, जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना आज का अच्छा होगा वो सेल्फी भी उतनी अच्छी होगी। कई बार हम वीडियो भी फ्रंट में अपने खुद को देख कर बनाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। साथ में इसमें काफ़ी लार्ज पिक्सल दे रखे हैं, 1.2 μ का दे रखा है, जो आपको काफ़ी जो आपके पिक्चर्स हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होने वाली, नॉइज़ कम होगी और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होगी। और इसमें फुल स्क्रीन इसका डिस्प्ले दे रखा है, जिसकी वजह से फुल स्क्रीन जेस्चर इसमें काम करता है, सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ड्यूअल कैमरा है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए हमारा नंबर वन है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन चाहिए तो Redmi Note 5 Pro ही आपके लिए बेस्ट है, जो कि नंबर वन है। और अगर आपको आपकी प्राइस रेंज में थोड़ी ज़्यादा है तो आप दूसरे फ़ोन जो मैंने आपको बताया वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फ़ायदा आपको Redmi Note 5 Pro मिलेगा। मैं किसी कंपनी या इनके प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए जानकारी लाते रहता हूँ जो आपके फ़ायदे की होती है और आपको फ़ायदा ही पहुँचाती है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। जो भी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, पास में एक बेल आइकन आएगी टिन 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 टिन, उसे भी दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो बनेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं आप जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं इस बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से बोल रहा हूँ। तो जो पुराने सदस्य जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया वो ही दबाएं, जिन्होंने दबा चुके प्लीज़ वो मत दबाना दोबारा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए आपके फ़ायदे की जानकारी, आपके काम के वीडियोज़ लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।